ये देखिए हमारा साबूदाना है, करीबन इसको हम आधा घंटा भिगो कर रखे हैं। अब हम सिंघाड़ा काटा डालेंगे। अब इसमें कुट्टू काटा डालेंगे। अब हम टमाटर डालेंगे, कटी हुई धनिया डालेंगे हरी। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उबला हुआ आलू डालेंगे। अब इसको अच्छे ढंग से मैश कर लेंगे। इसमें हरी धनिया डालेंगे, फिर हल्का सा पानी डालेंगे। इसको अच्छे ढंग से मैश कर लें, मिला लेंगे चारों तरफ से। अब इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए मेरे अच्छे ढंग से रेस्ट हो चुका है। अब हाथ में अपने बॉयल लगाएंगे, अब बॉल बना लेंगे अच्छे ढंग से। ये बॉल हम बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे बॉल बनेगा। अच्छे ढंग से लोई बना लेंगे, ये देखिए अच्छे से। अब जो साबूदाना हम भिगो कर रखे थे उसके देखिए थोड़े से पेसर डाल करके हल्का सा इसको चारों तरफ से लगा लेना है। ये देखिए जैसे हम लगाए हैं ऐसे ही लगा लेना है। बहुत हल्का सा पेसर डालना, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है इसके ऊपर। ये देखिए मेरा रेडी हो गया है, कितना परफेक्ट ये है। ऐसे ही सारा बॉल बना लीजिए। ये देखिए मेरा सारा रेडी हुआ। अब हम कढ़ाई के पास चलते हैं, ये देखिए फ्राई कर रहे हैं। ज़्यादा तेज आग पे पकाएंगे तो ये जल भी सकता है, लिहाजा उतना परफेक्ट नहीं आएगा। तो मीडियम साइड पकाना है। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर है, इसको हम पलट दिए हैं, बहुत परफेक्ट कलर। इसको आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितना फाइन कलर आया है ये। इसको आप चटनी, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के भी साथ खा सकते हैं, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है तो बहुत लोग खाते हैं, इसको बना के खा सकते हैं। अब मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये देखिए सारा सारा पका लिया। चलिए अब चलते हैं, सर्व करते हैं। देखिए हम सर्व कर रखे।